हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स ब्लैकआउट। अरे ब्लैकआउट, ब्लैकआउट, उफ, आज फिर कुछ सनसनीखेज होने जा रहा है। उनके काम करने का ढंग बड़ा विचित्र था। जब भी कोई अपराध करना होता, वे शहर में घोषित कर देते थे ब्लैकआउट। 25वीं मंजिल पर स्थित सेंट्रल बैंक, लुटेरे ठाए ठाए, पलक झपकने से भी पूर्व लुटेरों का बैंक पर कब्जा हो गया। चाबी मैनेजर के पास है। चाबी, उफ लुटेरे। उसी समय मुख्य गेट के निकट बैंक के लिए नया बुलेटप्रूफ ताला लाने के लिए 10 मंजिल सीढ़ियों चढ़कर आना पड़ा। कंबखत बिजली को भी अभी फेल होना था। खबरदार, जिसे अपनी जान प्यारी ना हो वही हिले। अगले ही पल इस बैंक से निकलने के लिए केवल यही एक गेट है। बैंक के अंदर से गोलियां चपरासी की ओर लपकी। ठाए ठाए, रुक जा। लुटेरे अब बैंक में कैद थे। उफ, मुसीबत, वह गेट पर ताला लगा गया है। गोली से ताले की चीथड़ उड़ा दो, क्विक। ठाए, ताला बुलेट प्रूफ है। हमारी बदकिस्मती चाबी 100 गज दूर गैलरी में पड़ी है। खबरदार, कोई हिला तो जान से मार देंगे। इस खिड़की से निकल भागना असंभव है। अब तो और भी असंभव। पुलिस सायरन जो गूंज उठा था। पुलिस की कई जीपें बिल्डिंग को चारों ओर से घेर चुकी थीं। इंस्पेक्टर विनय, पुलिस डिपार्टमेंट की नाक समझा जाने वाला खुर्राट इंसान। जल्दी चलिए साहब, मैंने बाहर से ताला लगा दिया है। बैंक परिसर में हंगामा मचा हुआ था। पुलिस अंदर आने की कोशिश करेगी लेकिन आएगी नहीं। इंस्पेक्टर विनय का इलाका ये बेवकूफ पुलिस, अब ये लुटेरे चूहों की तरह फंसेंगे। इंस्पेक्टर विनय के कदम बैंक परिसर की ओर जाने वाली गैलरी की ओर मुड़े ही थे कि ठहरो, वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, बैंक का पूरा स्टाफ और कई लोग हमारे कब्जे में हैं। बैंक की ओर बढ़ा, तुम्हारा एक भी कदम इन सब की मौत बन जाएगा। इंस्पेक्टर विनय की गंभीर चेतावनी, तुम सब बच नहीं सकोगे, तुम्हारी भलाई। तुम्हें इन सब की भलाई के विषय में सोचना चाहिए इंस्पेक्टर विनय। यहाँ 2 लाशें पड़ी हैं, इसलिए हमारे रहम दिल होने की उम्मीद करना बेकार होगा। उस हरामजादे चपरासी को मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। फिलहाल यहाँ से निकलने की सोचो। चाबी 100 गज दूर पड़ी है, मंगाएं? कोई फायदा नहीं। बैंक परिसर के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली होगी। इंस्पेक्टर विनय हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फिर इंस्पेक्टर विनय, हम तुम्हें केवल आधा घंटा दे रहे हैं। 25वीं मंजिल पर 31वें मिनट में एक परिंदा भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ठीक 31वें मिनट तुम हमें अपनी पुलिस टीम के साथ इमारत के बाहर नहीं नजर आए, तो आदेश की अवहेलना के रूप में 1 लाश 25वीं मंजिल से नीचे फेंक दी जाएगी। इस सूचना के साथ ही न केवल 25वीं मंजिल बल्कि संपूर्ण इमारत में खलबली मच गई। इमारत से बाहर निकलो जल्दी। 25वीं मंजिल पर डाकू? डाकुओं को क्या भरोसा, कहीं कोई बम बम फोड़ दिया तो? 20 मिनट में इमारत के इर्द गिर्द लग गई सैकड़ों लोगों की भीड़। डाकुओं ने 25वीं मंजिल में बैंक पर कब्जा कर लिया है। पुलिस असहाय खड़ी है। क्या होगा, कई लोगों की जान खतरे में है। लगता है पूरी इमारत खाली हो गई है। हटो, पीछे हटो। नहीं, मेरे पति बैंक में है, मुझे जाने दो। बैंक में भीतर घुसने का दूसरा रास्ता केवल वह इकलौती खिड़की है और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। इंस्पेक्टर विनय पुलिस पार्टी सहित बिल्डिंग के बाहर आ गया। भीतर बीओ को फोन लगाओ, क्विक। इस मुसीबत से छुटकारे का हल बीओ ही है। बीओ, बीओ। शाम घिरते लुटेरों द्वारा पर्चा फेंक कर इमारत के आसपास लाइट के प्रबंध में इंस्पेक्टर विनय की टीम को खड़ा रहने के लिए कहा गया। लेकिन रात ठीक 8 बजे अचानक इलाका अंधेरे में डूब गया। अरे बिजली को क्या हुआ? ब्लैकआउट, ये तो ब्लैकआउट है। अरे इलाके की बिजली गुल, आज क्या होने वाला है? इंस्पेक्टर विनय की कलाई घड़ी संकेत मार्ग पर ढंग से बज उठी। पिक 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 पिक, प्रोफेसर का मैसेज। इस ब्लैकआउट का मतलब लोग अच्छी तरह से जानते थे। क्या करता है बेवकूफ, पेट्रोमैक्स जलाकर पूरे घर को बारूद से उड़वाएगा। पलक झपकते इमारत के आसपास से चिड़िया तक गायब हो गई। भागो, ये ब्लैकआउट है। अंधेरे में डूबे इलाके के ऊपर मंडरा था वह हेलीकॉप्टर। पुलिस जीपें किसी अज्ञात खतरे से निपटने के लिए सड़कों पर आ गई। इसी पल नीचे कहीं रोशनी हुई, शायद किसी ने जनरेटर का इस्तेमाल किया था। दूसरे ही पल कई और बम सड़कों पर गिरे, आग नाच उठी। स्पेशल पुलिस फोर्स घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। इधर सेंट्रल बैंक परिसर में कुछ उत्तेजना सी फैली। हेलीकॉप्टर, इलाके की लाइट गुल, दूर गूंजते विस्फोटों के स्वर, मतलब बीओ का काम शुरू। पेंसिल टॉर्च से सिग्नल दो, हेलीकॉप्टर हमें लेने आया है। हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है।
ऊपर से सीढ़ी गिरा दी गई है, जल्दी करो, हरी अप, खबरदार कोई हिले नहीं। अंतिम लुटेरा भी हेलीकॉप्टर में समा गया, मिशन सफल, हेलीकॉप्टर उड़ चला। ब्लैकआउट में लपकती आग, पुलिस को घटनास्थल से दूर भेजने की योजना। इधर आकाश में एक जगह और भी हलचल थी। प्रोफेसर, आपका मैसेज रिसीव करने के बाद मैं ठीक समय पर यहां पहुंच गया हूं। गुड परमाणु, हेलीकॉप्टर कहाँ है? ठीक मेरी आंखों के सामने, आपके आदेश का इंतजार है, गो एंड अटैक। हेलो डियर बैंक रॉबर्स, माय नेम इज परमाणु, फायर। तुम्हारी ये खतरनाक गनें मुझ पर लियो टॉयज की तरह चलती हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का पंखा अगर रुक जाए तो क्या होगा? हेलीकॉप्टर पर कटे पंछी की तरह नीचे जाएगा ना। हेलीकॉप्टर गीली रेत में आधसा, किसी एक को भी संभलने का अवसर नहीं मिला। बीओ उर्फ ब्लैकआउट अब अधिक दिन तक नहीं जिएगा। ठाक ठाक, उफ आ ओ, क्यों अब तुम्हारे चेहरों पर लगा ब्लैकआउट कैसा लग रहा है? आ ओह, आह, अपने चेहरे का बिगड़ा हुआ रंग देखने के लिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा बेटे परमाणु। मैं मोस की तेरी चिता अपने जलते हुए हेलीकॉप्टर में फूकूंगा। ये था मोस की ठाक, और अब इस कुल्हाड़ी से तेरी गर्दन धड़ से जुदा करता हूं। मोस की बेटे, अब गया तू। खच, इसके ठीक 1 घंटे पश्चात कैसा लग रहा है? इंस्पेक्टर विनय? नहीं, इंस्पेक्टर विनय ही वास्तव में परमाणु है। उस समय जल्लाद कहाँ? इस समय जल्लाद कहो कुत्तों। आ, बीओ के बारे में जो कुछ जानते हो बताओ। बीओ, इस बार ब्लैकआउट मिशन फेल हो गया। बीओ, मोस्की मारा गया, बैंक रॉबरी असफल हो गई, चारों रॉबर्स इंस्पेक्टर विनय की टॉर्चर रूम में। खच, बीओ को बुरी खबरें बर्दाश्त नहीं। उस समय रात के ठीक 1:15 बजे थे। ठप, पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात साए के घुस आने पर जितनी हलचल मचनी चाहिए मची। कौन है वहां? आग फू कहते हैं मुझे, आग खाता हूं, आग फेंकता हूं। आह उफ, अरे ये कौन है? आग फू उफ, आ मैं जल गया। आग खाता हूं, आग फेंकता हूं। आ, टॉर्चर रूम किधर है? फड़ाक, ओ नो, इसी के साथ छा गया आग व धुएं का बवंडर। चौकी आग से धधक उठी। उफ, बीओ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्या मैं भी नहीं? आग फूकी, आग में जल मरेगा तू भी। आग में घिर गया परमाणु। बीओ तक पहुंचे बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा, और बीओ तक पहुंचने के लिए पहले तुझे पहुंचना होगा, मुझे पहुंचना होगा तुझ तक। ये पुलिस स्टेशन की बर्बादी और लुटेरे कैदियों की हत्याओं के लिए बूम, पहला और आखिरी बार। अगले ही पल ये बेल्ट तेरा मुंह बंद रखेगी ताकि तू आग ना फुंकार सके। अब परमाणु ने उसे परमाणु किरणों से जकड़ लिया। अब सिर्फ तेरे हाथ थेलेंगे। इस कॉपी पर, इस कलम से तू लिखेगा बीओ का पता। आग फू पर बेचैनी हावी होने लगी। आग फू ने जल्दी से कुछ लिखा। ये पसीने पसीने क्यों हो रहा है? मेरा शरीर धधकता ज्वालामुखी बन जाएगा, मेरे मुंह से आग बाहर जाने दो। ओ बेटे आग फू, अब तो इस जिस्म के ज्वालामुखी को फटी जाने दो। आ, 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 क्या क्या कहा? नहीं। ओ, इसके तो कानों से धुआं निकलने लगा। परमाणु ने कॉपी आगे कर दी। मुझे बीओ चाहिए। आग फू ने तुरंत कुछ लिखकर कॉपी परमाणु की ओर बढ़ा दी। ठीक इसी पल परमाणु हवा में उछला और बीओ, नहीं आग फू नहीं मर सकता, सारे शहर में ब्लैकआउट कर दो, उत्तरी ग्रिड से बिजली की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, उत्तरी ग्रिड को ब्लास्ट कर दो, और जब तक परमाणु अपने आप को मेरे हवाले ना कर दे शहर में अग्निबम बरसाते रहो। परमाणु को ढूंढने के लिए तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है बीओ। परमाणु, इस रिवॉल्वर की सभी गोलियों पर मैंने तेरा नाम लिख दिया है परमाणु। ओ पुम पुम पुम, और अब परमाणु को रोकना असंभव था। थाक, आ, थम, परमाणु, आई विल किल यू। बस बीओ, तेरा खेल अब खत्म समझ, बहुत आतिशबाजी कर ली तूने, अब तो मैं तुम्हारी असली जगह पहुंचाता हूं।
चलो अंदर। इंस्पेक्टर विनय, ब्लैकआउट का शौक था ना तुम्हें, अब यहां अंधेरे में ही रहना होगा तुझे भी। प्रोफेसर परमाणु, मैंने तुम्हारा निर्माण जिस उद्देश्य को लेकर किया था, तुम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। मैं अपराध की दुनिया में ब्लैकआउट मचाना चाहता हूँ प्रोफेसर। ब्लैकआउट और बीओ को काल कोठरी में पहुंचा कर आ रहा हूं। ऐसा ही होगा प्रोफेसर। समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।